दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह अपने विंडोज 10 के ऊपर हम डार्क थीम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। डार्क थीम से मुराद ये है कि तमाम चीज़ें ब्लैक में आ जाएंगी और उससे आपकी आंखों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी अपने विंडोज़ पर डार्क थीम लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये विंडोज़ के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ ये ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कलर्स में आएंगे। कलर्स में आने के बाद देखें यहाँ पे ये ऑप्शन है, जो भी आपके पास अभी डिफ़ॉल्ट में ये लाइट थीम होगी। ये लाइट थीम कुछ इस तरह होती है। ये माई कंप्यूटर वगैरह देखें, सब कुछ वाइट वाइट आएगा। मैंने इसको पहले से ही डार्क रखा हुआ था, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ तो ये डार्क थीम आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तीसरा, ये है कस्टम। कस्टम से मुराद ये है कि यहाँ पे हम इसको विंडोज़ मोड के अंदर बताएंगे कि विंडोज़ के अंदर आपको अगर डार्क चाहिए तो डार्क करें, अगर लाइट चाहिए तो लाइट, और ऐप्स के अंदर आप किस तरह की थीम देखना चाहते हैं, लाइट या डार्क। तो ये यहाँ पे भी मैंने दोनों को डार्क सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है कि ट्रांसपेरेंट नज़र आए या नहीं, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, चूज़ योर एक्सेंट कलर। ये यहाँ से आपके कोई भी बैकग्राउंड से कलर उठा के ये सेम के साथ मैच करके चला देगा। जैसे अब ब्लैक है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली कलर ये ग्रे उठा लेगा। तो उसके अलावा यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन और हैं, स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें आप, टास्क बार हमारा रेडिश के अंदर आ गया है। ये और ये टाइटल बार एंड विंडोज़ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टाइटल बार और विंडोज़ के बॉर्डर भी रेड हो जाएंगे। ये देखें, ये रेड बॉर्डर आ चुका है इसके इर्द गिर्द। तो यहाँ से हम ये अपनी मर्जी की भी थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था ये, विंडोज़ 10 में हम अपनी मर्ज़ी की कस्टम थीम या फिर डार्क थीम कितनी आसानी से इनेबल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।